नमस्कार, मैं हूं आपका बेरोजगार आरजे और आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं बॉलीवुड का एक और समाचार। दोस्तों, मैंने अभी अभी ट्रेलर देखा यामी गौतम की फिल्म अ थर्सडे का, जिसे देखने के बाद सच में आके फटी की फटी रह गई कि ये यामी गौतम इस तरह का रोल भाई बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। देखो लैंग्वेज मतलब कैसी हो रही है, मतलब ये इसीलिए क्योंकि बिल्कुल मैं हैरान हो गया इस तरह का रोल देख के। अब सबसे पहले नाम पर चलते हैं, अ थर्सडे ऐसा लग रहा है ना 2008 में आई थी और वेंसडे नसरुद्दीन शाह की, तो ये कहानी कहीं सिमिलर है, ये सीक्वल है, पार्ट टू है, ऐसे बहुत सारे सवाल है। अब चलते हैं ट्रेलर की तरफ। ट्रेलर में यामी गौतम नैना बनी है जिन्होंने नर्सरी के बच्चों का कर लिया है किडनैप, आई थिंक टीचर है तो भैया किडनैप कर लिया है, और उसके बाद होती है डिमांड शुरू। एंट्री होती है नेहा धूपिया की जो एक डैशिंग कॉप है, अच्छी लग रही है, लेकिन यामी कर देती है बात करने से मना और बोलती है मुझे बात करनी है सिर्फ जावेद खान से। जावेद खान का रोल प्ले कर रहे हैं अतुल कुलकर्णी, और उसके बाद और दिलचस्प हो जाती कहानी जब यामी कहती है कि अब मुझे बात करनी है, यानी हमारी नैना कहती है प्राइम मिनिस्टर से, जिस रोल में है डिम्पल कपाड़िया। तो एक तो ये ट्रेलर बहुत दमदार है, जिस तरह से सीन शूट हुए हैं, कॉप्स की एंट्री दिखाई है वो बहुत शानदार है, और यामी को मैंने जो सबसे अलग देखा था वो उरी में थोड़ा सा अलग रोल था, बाकी तो मतलब जो मैंने बताया जैसे रोमांस लव इसी सब में मैंने देखा है, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग तरह का, और इसमें जितनी तारीफ की जाए यामी के कम है। ऑल्सो ट्रेलर जितना अच्छा है उतनी ही अच्छी ये फिल्म हो जो 17 फरवरी को आ रही है डिज्नी हॉट स्टार पर। तो वेट अब हो नहीं रहा कि कब जल्दी से 17 तारीख आए और ये फिल्म देखी जाए, क्योंकि यादें ताजा हो गई हैं, नाम अ वेंसडे अ थर्सडे सिमिलर सा है तो कंपैरिजन तो बनेगा, फैंस करेंगे आने के बाद। लेकिन मेक श्योर एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि इस ट्रेलर में नैना ने मतलब फाड़ दी है, तो एक नंबर ट्रेलर है, दिन बन गया, आप भी ट्रेलर देखो, और अगर स्टार देने हो तो भैया 5 में से 4 स्टार तो बनते हैं, 1 बचा लेते हैं, पूरे मार्क्स नहीं देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक अलग है, शब्द कम पड़ जाएंगे यामी गौतम के लिए, मतलब मैंने नहीं देखा ऐसा, तो ये वाकई ही हैरान कर देने वाला टोटल।